मैं एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। मेरी उम्र 19 साल है। ये जो काम कर रहा था वो मेरे लिए काफी परफेक्ट था एज अ पार्ट टाइम जॉब। उस रेस्टोरेंट में मेरे साथ मेरा एक और दोस्त काम करता था। वो यूजुअली काउंटर पे रहता था। वो फूड डिलीवरीज की ऑर्डर लेता था और मुझे बताता था, और मैं खाना लेके ऑर्डर को डिलीवर करता था। एक रात मेरे दोस्त ने कॉल पे फूड डिलीवरी ली। उसने कॉल रखते ही मुझे फूड डिलीवरी के बारे में बताया। उसने मुझे एड्रेस बताया जहाँ पे फूड डिलीवर करना है, और खाना रेडी होते ही मेरे हाथ में फूड डिलीवरी बॉक्स थमाया। मैंने वो पेपर बॉक्स लिया, डिलीवरी गाड़ी में बैठा, मोबाइल में डिलीवरी एड्रेस डाला और वो डिलीवरी करने निकल गया। जहाँ पे डिलीवरी करनी थी वहाँ का रास्ता काफी कच्चा था। वो एड्रेस मुझे एक बंद प्रॉपर्टी में लेके आया। जिस घर पे मुझे खाना डिलीवर करना था उसकी लाइट्स ऑफ थी, और ऐसे भी लग रहा था उस घर के इर्द गिर्द जो घास है वो कई महीनों से काटी भी नहीं है। मुझे ऐसे लगा शायद वो घर में कोई नहीं है, और मे बी शायद वो घर अबेंडेंड है। मैंने रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त को कॉल किया। उसने फोन हमारे रेस्टोरेंट के बॉस को दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉस काफी खड़ूस है। उसने स्ट्रिक्टली कहा खाना लेके अंदर जाओ, खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मैं अपने कार से बाहर निकला। वो घास मेरे पैरों को पूरी तरह कवर कर रही थी। मैं चलते हुए उस घर के सामने पहुंचा। उस घर के दरवाजे पे बेल नहीं थी, तो मैंने उस दरवाजे पे नॉक किया। जैसे मैंने उम्मीद की थी, 30 सेकंड वेट करने के बाद भी देयर वॉज नो आंसर। तो मैं वापस अपने कार में आके बैठा। पहली चीज जो मैंने की, मैंने अपने दोस्त को रेस्टोरेंट में मैसेज किए। लेकिन टेक्स्ट करते हुए जब मैंने वापस उस घर की तरफ देखा, तब उस घर के फर्स्ट फ्लोर की लाइट ऑन थी। तो मैं वापस उस घर की तरफ गया और उस दरवाजे पे नॉक किया। पहले नॉक पे ही दरवाजा हल्के से खुल गया। इट मीन्स दैट किसी ने दरवाजा खोला था, लेकिन दरवाजे पे कोई भी नहीं था। मैंने वो दरवाजा थोड़ा सा और पुश किया और कहा हेलो। मेरा आवाज उस घर में एको हुआ। मैं वेट कर रहा था मैं फुटस्टेप्स की आवाज सुनूं दरवाजे की तरफ आती हुई, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली दरवाजा किसी ने खोला था। इसका मतलब ये था कोई तो घर में था, और मैंने अज्यूम किया उन्हें शायद चाहिए कि मैं घर के अंदर आके डिलीवर करूं। सो आई स्टेप्ड इन। मैंने एक और बार कॉल आउट किया, और इस बार किसी ने रिप्लाई किया। मैंने कुछ ऐसे शब्द सुने, इकड़े वर्ती है लवकर। मुझे मराठी तो नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र में रहने के कारण मैं इतना तो गेस कर सकता था। इकड़े मीन्स यहाँ, वर्ती मीन्स ऊपर। मैंने गेस करते हुए ये सोचा कि कोई मुझे ऊपर बुला रहा है। हॉलवे के बीच में एक स्टेयरवे था। मैं उस स्टेयर्स पे आके रुका। उस स्टेयर्स पे खड़े रह के जब मैंने ऊपर देखा, तब मैंने देखा एक हाथ मुझे ऊपर बुला रहा है। मुझे अभी तक उस इंसान की शक्ल नहीं दिखाई दी थी, बस मुझे हाथ दिख रहा था जो कि मुझे ऊपर बुला रहा था। जितनी भी मुझे मराठी आती है वो मैंने सारी जोड़ दी, और मैंने कहा मी वर्ती ये तो है। जैसे ही मैं स्टेयर चढ़ने लगा मैंने ऊपर देखा। मैंने देखा जो हाथ मुझे ऊपर बुला रहा था वो हाथ अभी वहाँ पे नहीं है। मैं स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पे आके पहुँचा। मैंने देखा जो इंसान मुझे ऊपर बुला रहा था वो वहाँ पे है ही नहीं। मैंने देखा एक शेडोई फिगर उस रूम के अंदर जाते हुए। उस रूम की लाइट बंद हुई। उस रूम से एक हाथ बाहर निकला। वो मुझे इशारे से अंदर बुला रहा था। फिर से मुझे बस हाथ ही दिख रहा था। उस इंसान का चेहरा अभी तक मुझे नजर नहीं आया था। ये देखने में काफी क्रीपी लग रहा था, लेकिन एक बात मैंने ठान ली थी कि मैं उस रूम के अंदर तो नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने फर्म आवाज में कहा तुम जो कोई भी हो बाहर आके खाना ले लो, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। सडनली उस रूम से जो हाथ मुझे बुला रहा था वो अभी अंदर लिया गया। कुछ समय उस साइलेंस में खड़े रहने के बाद मुझे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ने हिट किया। ये चीज इतनी जल्दी में हुई कि मुझे थोड़ा टाइम लगा ये रियलाइज होने में कि मुझे किसी ने हिट किया था एक कटे हुए हाथ से। ये कोई प्लास्टिक हेलोवीन टॉय नहीं था, ये एक रियल हाथ था, वो भी कटा हुआ। मैं भागते हुए स्टेयरकेस से नीचे की तरफ दौड़ा। खाना अभी भी मेरे हाथ में था। मैं सीधा जाके गाड़ी में बैठा। मैं गाड़ी रिवर्स लेके वहां से निकल गया। मैं वहां पे जो सबसे नजदीकी घर था उस घर पे पहुंचा। मैंने बेल रिंग की। एक मिड एज्ड औरत ने दरवाजा खोला। मैंने उस औरत को उनके नेबर ने मेरे साथ जो किया है उसके बारे में बताया। उस औरत के चेहरे पे एक पजल्ड लुक था। उसने मुझसे कहा उस घर के अंदर 2 साल से कोई भी नहीं रह रहा है। ये सुन के मैं काफी डर गया। Those words hit me. उस औरत ने मुझसे कहा कि वो पुलिस को कॉल करके ये सब बता देगी। शायद हमने इसके बारे में कुछ 5 मिनट के लिए बात की। फिर मैं वहां से खाना लेकर रेस्टोरेंट में चला गया। वहां पे मैंने अपने बॉस को जो कुछ भी हुआ है वो एक्सप्लेन किया। शायद मेरा बॉस भी ये सारी चीजें मान गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं उस रूम के अंदर गया होता तो क्या होता।